good morning students now today i am starting exercise 11.1 .1 bar graph okay in bar graph we will see interpreting data from bar graph and then we'll see drawing bar graph so in interpreting data what we'll see we'll will try to understand this bar graph okay so अंकुश इज़ द ओनर ऑफ़ रेस्टोरेंट लोकेटेड इन अ बिजी स्ट्रीट इन वाइजक आंध्र प्रदेश ही गोज़ थ्रू द सेल्स रिकॉर्ड ऑफ सम फ़ूड आइटम्स सोल्ड इन हिज रेस्टोरेंट ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से फ़ूड आइटम्स है आपको यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से फ़ूड आइटम्स है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितने कितने हुए हैं ठीक है सैटरडे को आप देख सकते हो यहाँ पे आलू पराठा कितना हुआ है यहाँ पे सेवन हंड्रेड है सो so, हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है सेवन हंड्रेड डोसा कितना हुआ है यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट कितना है टू हंड्रेड सो डोसा सेल हुआ है टू हंड्रेड एंड लच्छा पराठा कितना हुआ है सेंट लच्छा पराठा हुआ है आपका सेल सिक्स हंड्रेड ठीक है और इटली हुआ है टू हंड्रेड फिफ्टी सो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको बताने हैं कि कितना कितना हुआ है आपको इसको देखना है और आपको इसको बताने हैं ठीक है सो नेक्स्ट हा और बार ग्राफ बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है ये टेबल दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे देखो आपको टेबल दिया हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स दिए हुए हैं सिक्सटी फिफ्टी सेवेंटी और फिफ्टी और इनको रिकमेंडेड कज़िन्स चाइनीज चाइनीज को चाइनीज़ कितने लोग को पसंद है कस्टमर को सिक्सटी इटालियन कितने फिफ्टी मैक्सिकन सेवेंटी एंड थाई फिफ्टी इतने इनको पसंद है तो हमको कैसे बायोग्राफ बनाएंगे यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे चाइनी इधर हम सब कज़िन का नाम लिख देंगे जैसे चाइनीज़ हो गया इटालियन हो गया मेक्सिकन हो गया और थाई हो गया और यहाँ पे हम आ, क्या कर लेंगे नंबर्स को लिख देंगे जैसे कि देखो सब नंबर क्या है दस दस से डिवाइड होते है, तो हैं तो ऐसे ही हम दस दस का गेप लेंगे दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर और अस्सी ओके okay. चाइनीज़ कितने को पसंद है स्टूडेंट्स सिक्सटी को तो यहाँ पे हम ऐसा सिक्सटी तक ऐसे ड्रा कर देंगे इटालियन फिफ्टी को पसंद है तो हम क्या कर देंगे फिफ्टी को ऐसे ड्रा कर देंगे ओके मैक्सिकन सेवेंटी को पसंद है तो ऐसा सेवेंटी हम ड्रा कर लेंगे और थाई ऐसा फिफ्टी को पसंद है तो फिफ्टी को तक ड्रा कर लेंगे सो so, स्टूडेंट्स इस तरह के से हम इसको ड्रॉ करेंगे ओके okay. यहाँ पे क्या था यहाँ पे हमने कजीन का नाम लिखा हुआ है ठीक है क्विजीन का और यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं और थोड़े थोड़े हम गेप में देंगे जैसे कि यहाँ दो गेप है फिर दो गेप है दो गेप है ताकि आपका जो बाग्राफ बनाया हो वो क्या दिखे क्लियर दिखे ठीक है स्टूडेंट्स सो लेट्स लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन और ऐसे ही आपका हॉरिजॉन्टल बाफ बन जाएगा ये वाला ओके okay. यहाँ पे आपका नीचे में नंबर रहेगा हॉरिजॉन्टल में आपका नीचे में नंबर रहेगा और साइड में आपका कुन रहेगा ठीक है चलो देखते हैं देखो यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स हमको फर्स्ट क्वेश्चन में समझना है कि कौन सा प्लेयर मैक्सिकम मैक्सिमम रन स्कोर किया देखो सबसे ऊपर कौन सा है आपका ये वाला है सबसे ऊपर सुनील का है सुनील का कितने में है यहाँ पे देख सकते हो आप नाइन्टी में है ओके तो आप यहाँ पे लिख दो क्या आप यहाँ पे लिख दो सुनील ने स्कोर किया है इस प्लेयर स्कोर मैक्सिमम सुनील आंसर आ जाएगा क्या सुनील लिखना चाहो तो लिख सकते हो नाइन्टी रन्स कितने स्कोर किए इसने अब आगे देखो हाउ हाउ मैनी मोर रन्स डिट रघु स्कोर देन कवलजीत जीत तो रघु ने कितने स्कोर किए हैं स्टूडेंट्स रघु ने स्कोर किए हैं 54 देखो कितना कितना का गैप है 18 18 थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर मतलब क्या है एटीन का गैप है सब में मतलब इन दोनों के बीच में एटीन का गैप है फिर इन दोनों के बीच में एटीन का गैप है फिर एटीन का गैप है एटीन का गैप है तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि रघु ने स्कोर कितना किए हैं रघु ने स्कोर किए हैं फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर प्लस एटीन क्योंकि ये हाफ सॉरी नाइन क्योंकि ये हाफ है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ये आपका हाफ है तो फिफ्टी फोर प्लस नाइन कितना आ जाएगा फिफ्टी फोर प्लस नाइन फिफ्टी फोर प्लस नाइन हो जाएगा आपका सिक्सटी थ्री रघु ने स्कोर किए सिक्सटी थ्री और कवल जीत ने कितने स्कोर किए हैं यहाँ पे देखो ये यह यहाँ पे है थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स प्लस आपका हो गया कितना नाइन क्योंकि ये हाफ़ है ओके okay, पूरा एक यूनिट नहीं है थर्टी सिक्स प्लस नाइन हो जाएगा आपका फोर्टी फाइव ना हम अब घटा सकते हैं कि आपको पूछे कितने ज़्यादा हैं तो सिक्सटी थ्री माइनस फोर्टी फाइव कर दो आप सिक्सटी थ्री माइनस फोर्टी फाइव विल बी कितना एटीन रन्स ओके तो ये आपका आ आप गया आंसर एटीन रन्स आपका आ गया आंसर ओके नेक्स्ट देखते हैं हाउ मैनी रन्स वेयर आर स्कोर बाई फाइव प्लेयर्स इन द टोटल टोटल कितने स्कोर किए हैं पाँचों ने मिला के तो देख सकते हो आप रघु ने स्कोर किए हैं सिक्सटी थ्री सुनील ने स्कोर किए नाइन्टी यश ने स्कोर किया है कितना एटीन प्लस नाइन क्योंकि ये हाफ़ है पूरा नहीं है एटीन प्लस नाइन हो गया आपका ट्वेंटी सेवन अनवर ने कितना किया है सेवेंटी टू प्लस नाइन एटी वन ओके तो आप हम पांचों को प्लस कर देते हैं सिक्सटी थ्री प्लस नाइन्टी प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस एटी वन प्लस फोर्टी फाइव तो ये हो गया सोलह अठारह थ्री हंड्रेड सिक्स रंस ओके थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड सिक्स रंस यह आपका आंसर हो गया ओके स्टूडेंट्स सो इस तरीके से हमको इस दिए हुए ग्राफ को समझना है और हमें आंसर करना है नो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ। अब हमको हॉरिजॉन्टल वाला दिया है जिसमें यहाँ पे आपका नंबर लिखे रहेगा और यहाँ पे आपका किस चीज़ का नंबर लिया लिखा हुआ है उसका दिया हुआ है जैसे देखो क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड बाय द डेयरी एक बहुत बड़ा डेरी शॉप है वो कितना वो मंथ के कितने अलग अलग मंथ में ओके कितना लीटर सोल्ड करता है जैसे कि देखो आपका मई में देखो आप ध्यान से मई में आप देख सकते हो थर्टी थाउजेंड है यहाँ पे ओके यहाँ पे आप देख सकते हो थर्टी थाउजेंड है जून में कितना है देखो यहाँ पे आपका ट्वेंटी थाउजेंड है और यहाँ पे थर्टी है मतलब बीच में हो गया मतलब कितना जून में आपका है में आपका है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मई में है आपका कितना थर्टी थाउजेंड जुलाई में है आपका इस्टूडेंट्स फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से फिफ्टी थाउजेंड ओके तो हमें बताना है इन विच टू मंथ डिड द डेरी सेल इक्वल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क किस दो महीने सेम क्वान्टिटी ऑफ मिल्क सेल हुए तो आंसर होगा क्या अगस्त एंड जुलाई अगस्त एंड जुलाई ओके स्टूडेंट्स पॉज इफ़ यू इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड बाय डेरी इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई टोटल जून में कितना है स्टूडेंट्स जून में आप देख सकते हो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है ओके okay. जून में है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और जुलाई में कितना है जुलाई में है फिफ्टी थाउजेंड सो आंसर हो जाएगा कितना सेवेंटी फाइव थाउजेंड लीटर ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब हमको घटाना है डिफरेंस निकालना है मतलब घटाना है हमको सोल्ड बाय डेयरी इन अगस्त एंड मई अगस्त और मई का हमको माइनस करना है अगस्त में आप देख सकते हो फिफ्टी थाउजेंड है और मई में है थर्टी थाउजेंड मीन्स कितना आ गया आंसर ट्वेंटी थाउजेंड लीटर आ गया आपका आंसर ओके लास्ट क्वेश्चन हाउ मच मोर और लेस मिल्क वॉज सोल्ड इन जून दैन मई जून से मई में कितना ज़्यादा या कम हुआ तो जून में आप देखो कितने हैं जून में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हुए हैं और मई में हुए हैं थर्टी थाउजेंड मीन्स मीन्स क्या हुआ है फाइव थाउजेंड लीटर लेस लेस मिल्क वाज सोल्ड ओके क्योंकि पाँच हजार कम हो गया था ठीक है मे में था आपका थर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी फाउजें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड था आपका जून में तो इस तरह इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है दिए हुए दिए दिए हुए बारोग्राफ को समझना ओके अब हम क्या करेंगे अब हम ड्रॉ करना सीखेंगे कैसे ड्रॉ करें ओके नाउ क्वेश्चन थ्री देखो आप ध्यान से अब बोल रहा है एक वर्टिकल वर्टिकल बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है जिसमें ऐसा ऐसा बना रहता है ओके वर्टिकल इसको बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है स्टूडेंट्स जिसमें आपका बार ग्राफ ऐसा बना होता है ठीक है कुछ इस तरीके से बना रहता है तो देखते हैं हम देखो आपको डेस ऑफ आप द वीक का नाम दिया हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और कितने कितने रुपए इसका सीडी सीडी सेल हुआ है ओके मंडे को हुआ है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ का ट्यूसडे को हुआ है ट्वेंटी एट हंड्रेड का वेडनेसडे को हुआ है एटीन हंड्रेड का अब हम कितने कितने का गेप ले तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे ले लेते हैं फोर हंड्रेड का गेप्स कितने कितने का गेप ले, ले लेते हैं फोर हंड्रेड का ठीक है तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से मंडे को हुआ है सिक्स हंड्रेड का सेल तो फोर हंड्रेड और एट हंड्रेड के बीच में होगा स्टूडेंट सिक्स हंड्रेड ठीक है ट्यूसडे को कितने का कितने का सेल हुआ है ट्वेंटी एट हंड्रेड का तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से कितने कितने का गेप हुआ था चार सौ आठ सौ बारह सौ सोलह सौ क्योंकि हमने चार चार सौ का गेप लिया था ठीक है तो ट्यूजडे का हुआ है ट्वेंटी एट हंड्रेड का तो फोर सेवनजा ट्वेंटी एट होता है तो ट्वेंटी एट हंड्रेड तक हमने इस ग्राफ को ले आया है ठीक है ना इस बार ग्राफ को हमने यहाँ पे ले आया है यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेक्स्ट है वेडनेसडे वेडनेसडे को एटीन हंड्रेड का सेल हुआ है मतलब ये सिक्सटीन हंड्रेड और टू थाउजेंड के बीच तक आएगा ये पूरा यहाँ तक आएगा ठीक है स्टूडेंट्स थर्सडे को देखो आप कितने का सेल हुआ है थ्री थाउजेंड का मतलब ट्वेंटी एट हंड्रेड और थर्टी टू हंड्रेड के बीच में आएगा क्योंकि ये थर्टी हंड्रेड इसी के बीच में आता है ठीक 300 मतलब है ना तीस सौ मतलब थ्री थाउजेंड लास्ट है फ्राइडे फ्राइडे थर्टी सिक्स हंड्रेड पूरा तक जाएगा मतलब ये ऊपर तक आएगा फ्राइडे ठीक है तो इस तरीके से हम आपने देखा हमने ड्रॉ किया इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस यहाँ पे हमने डेज ऑफ द वीक का नाम लिखा है तो यहाँ पे मैंने डेस ऑफ द वीक लिख लिया है और यहाँ पे सेल्स लिखा है इस तरफ तो मैंने सेल्स लिख दिया और ये क्या चीज़ का है ये है डेली सेल्स ऑफ सी डी शॉप तो ऊपर में मैंने लिख दिया है डेली सेल्स ऑफ सी डी शॉप इन रुपीस ठीक है स्टूडेंट्स चाहे तो आप ऐसा लाइन बना सकते हो और नहीं भी बना सकते हो कि जैसे मैंने ये तिरछा लाइन बनाया है ये है आपकी मर्जी नेक्स्ट देखो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है अब हमको ठीक है यहाँ पे हमको डेटास लिखे हुए हैं कि प्लॉट द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स को कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है जैसे कि देखो पियानो गिटार तबला ड्रम बेंजो कितने पियानो पसंद है वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट को गिटार पसंद है सेवेंटी फाइव को तबला पसंद है फिफ्टी को ड्रम पसंद है वन ट्वेंटी फाइव और बेंजो सबसे ज़्यादा पसंद है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को तो इन हमको इसको प्लॉट करना है आप आप जानते होंगे कि ये सब नंबर किसके में टेबल में आते हैं ट्वेंटी फ़ाइव हम यहाँ पे फिफ्टी का गैप दे देते हैं कितने का गैप दे देते हैं फिफ्टी का क्योंकि ट्वेंटी फाइव के टेबल में आते हैं तो हम फिफ्टी का गैप दे, दे देंगे ओके और ट्वेंटी फाइव में आएगा तो उसको आधे में लिख देंगे जैसे कि यहाँ देखो ये सब किसके टेबल में आते थे ये सब डिवाइड होते थे 200 के टेबल में ओके ये सब जितने भी नंबर्स थे 200 से डिवाइड होते थे तो हमने 400 का गेप दिया था वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे देखो सब 18 का गेप दिया हुआ है यहाँ पे देखो ऐसे ही गेप देते हैं हम ठीक है यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स मैंने नंबर से यहाँ लिख लिया 50 का गेप देने के बाद फिफ्टी हंड्रेड 150, 200, 250. ओके okay. पियानो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया ठीक है पियानो कितने को पसंद है पियानो पसंद है 125 तो ये जो लास्ट है कहाँ तक आ गया 100 और 150 के बीच में आ गया ठीक है गिटार कितने को पसंद है स्टूडेंट्स गिटार पसंद है 75 को तो ये आ गया 50 और 100 के बीच में ओके okay. तबला कितने को पसंद है 50 को तो ये आ गया यहाँ पे फिफ्टी तक ठीक है ड्रम पसंद है वन ट्वेंटी फाइव को और बेंजो पसंद है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को मतलब टू हंड्रेड और टू हंड्रेड फिफ्टी के बीच में आ गया तो इस तरीके से मैंने ड्रा कर दिया है ये किस चीज़ का है ये है आपका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, है इसको ठीक है ना किस चीज़ के बारे में ड्रा हुआ है और इधर क्या ड्रा हुआ है इधर ड्रा हुआ है आपका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु लाइक द नंबर यहाँ पे है ठीक है यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है और यहाँ पे क्या है नेम ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट है क्या चीज़ का है यहाँ इधर देखो तो इस यहाँ पे वाई एक्सिस में मैंने बना दिया है ठीक है फिफ्थ आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स ऐसे ही आप इसको देख के आप ड्रॉ करना है आपको ठीक है ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है प्लीज़ please see this pdf properly and if you have any doubt inform me okay bye students and solve your solve homework and computer copy